कुछ दिनों से ताजमहल को लेकर कोई न कोई चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कभी कोई ताजमहल में भगवा झंडा लहराने लगता है तो कोई कब्र पर गंगा जल चढ़ाने पहुंच जाता है। लेकिन अब इन घटनाओं के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने एक अहम कदम उठाते हुए ताजमहल आने वाले पर्यटकों के पानी ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के आदेश के मुताबिक ताजमहल आने वाले पर्यटक अब मुख्य समारोह पर पानी की बोतल नहीं ले जा पाएंगे। वहीं इस आदेश के आते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। टूरिस्ट गाइड्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दरअसल पिछले दिनों ताजमहल पर हिंदूवादी संगठन ने गंगा जल चढ़ाने का दावा किया गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक कब्र पर जल चढ़ाते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक हिंदू महासभा से जुड़े दो युवक ताजमहल की एंट्री की टिकट लेकर पश्चिमी गेट से अंदर घुसे। इस दौरान उन्होंने पानी की बोतल में गंगा जल भरा। इस वजह से वो सुरक्षा गार्ड्स को चकमा देकर निकल गए। हालांकि CISF ने दोनों युवकों को पकड़ लिया, जबकि सोमवार को भी ताजमहल में ही एक और मामला देखने को मिला, जब एक महिला ने मकबरे के करीब पहुंचकर भगवा रंग का झंडा लहराया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि ये दोनों ही घटनाएं काफी बड़ी है। माना जा रहा है कि इसी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ये फैसला लेना पड़ा।